हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 5 सेज शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। शैली इज वन गर्ल हु प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग मीन्स द यंग ट्री विच वी ग्रो इन आवर गार्डन। सी प्लांट इन अ रो लाइक दिस, ए बी सी डी। लेट दिस बी सैपलिंग ए, सैपलिंग बी, सी एंड डी, 1, 2, 3, and 4 सैपलिंग्स इन अ रो। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स, एडजेसेंट सैपलिंग मीन्स नेक्स्ट सैपलिंग, और यू कैन से एडजॉइनिंग सैपलिंग्स। दैट मीन्स ए एंड बी आर एडजेसेंट सैपलिंग्स, सो देयर डिस्टेंस इज 3/4 मीटर। बी एंड सी 3/4, एंड सी एंड डी 3/4 मीटर। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। सो लेट अस स्टार्ट। लेट द फोर सैपलिंग्स बी ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। नाउ सिंस द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स is 3/4 meter, they have given us, right? 3/4 meter. Therefore, can we say AB is equal to BC is equal to CD is equal to 3/4 meter, because each distance is having 3/4 meter, right? Therefore, the distance between the first and the last sapling is equal to what? AD, this much distance. And AD is made up of what? Can we say 1, 3/4 one time, 3/4 two times, and 3/4 three times? Can we say 3 times 3/4? AD, distance AD is made up of 3 times 1, 2, and 3 times 3/4, right? So our answer will be 3 threes are 9 divided by 4 meters. Therefore, the distance between the first and the last sapling is equal to AD is equal to 9/4 meter. This is our answer. Hope you have understood this question. If not, please go through it once more so that you can understand it properly. We will meet with new lecture, new question in new lecture. Till then, take care of yourself, stay home, stay safe. Bye bye.